ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक अवर सुपरमार्केट सिम्युलेटर पार्ट, पता नहीं पार्ट कौन सा है, लेकिन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं एक ये रहा वर्कर वाली हमारी शॉप, देख सकते हैं छोटी सी शॉप को इतना बड़ा मॉल टाइप बना दिया हमने। ये खड़ा क्यों इधर है मुझे नहीं पता चल रहा है, लेके क्यों खड़ा है कोई बात नहीं, चलो 500 रुपए का इनकम हो चुके। मुझे स्टोरेज का एरिया बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो इसे खड़ा रह जाता मुझे नहीं पसंद है भाई। ये क्यों खड़ा है भाई मुझे नहीं पता। अरे भाई काम कर, अंदर कुछ है, इतना सारा ये डालने का बाकी तो ये नहीं डाल रहा, और ये इसे चुपचाप इधर से खड़ा है बक्सा लेके। कोई बात नहीं मैं डाल देता हूँ इसमें। अभी मुझे ऑर्डर भी देना है, बहुत दिनों से अपने शॉप में नहीं आए थे हम, 600 रुपए कमा गए भाई। अभी क्या मंगवाना चाहिए हमें, जिसमें हमें ज्यादा फायदा मिलता है वही चीज हमें मंगवानी चाहिए। शुगर सुपत्ती, ये टॉयलेट का पेपर मंगवा था उसमें ज्यादा पैसा है हमें मिलता है, लेकिन हमारा वर्कर क्यों काम नहीं कर रहा है, वर्कर बार बार खड़ा रह जा रहा है। इस रेक्स इज फुल इन स्टोर, कहाँ पे फुल है, पूरा खाली है। एक सेकंड इसको इधर डाल देते हैं, एक सेकंड भाई रुक, कहाँ पे फुल है भाई, पूरा रेक खाली पड़ा है, इसको फुल लग रहा है। एक सेकंड रेक आर द रेक्स इज फुल इन स्टोरेज, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसको हटा दे बॉक्स अप करो पे, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं, इधर ही छोड़ देते चलो ना। और कल क्या क्या परचेस करना है वो मुझे देखना चाहिए, सारी फ्रिज के आइटम मैं परचेस कर दूं। और इधर तो फुल है, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, अच्छा आ गया वो दो चीज है, और ये पूरा फ्रिज खाली है। ब्राउ टॉयलेट पेपर और सब मैंने मंगवाया, ये रहा चलो। अबे यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा था प्रोडक्ट सर्विस सेम, अच्छा चलो डाल देते हैं, उसमें क्या है इसको डालो, ये इसके लिए मैंने वर्कर रखा था अभी मैं काम कर रहा हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, इसको इधर डाल, अरे यार ये भी फुल था, ये सब ज्यादा मैंने मंगवा लिया गलती से, कोई बात नहीं चलो ना। डे 38 हमारी स्टोर को ओपन किए, 38 डे हो चुके, आज के दिन हम 226 रुपए माइनस में चल रहे, नया दिन 540 रुपए है क्योंकि 170 रुपए स्टाफ का काटा हमने, $170 स्टाफ के, ये तो ज्यादा हो गया। रुको पहले मैं सब चीजें मंगवा लेता हूँ, सब चीजें मंगवाने के पैसे मेरे पास अभी तो नहीं है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो वही मंगवाना चाहिए, जैसे कि ये एग मंगवा लेते हैं, चीज फ्रेंच फ्राइज है मेरे पास, मुझे पता है एप्पल का जूस और सबकी जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि आप वीडियो डालो सुपरमार्केट का, और फाइनली हम लेके आ चुके सुपरमार्केट का वीडियो, ऑन कमेंट्स ऑन डिमांड, इस गेम की डिमांड थी एक मंथ पहले, अभी मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा डिमांड है, लेकिन मैंने डाल रहा हूँ कोई बात नहीं चलो। चलो मैंने और थोड़ी आइटम और मंगवा ली है, और अभी मैंने शॉप ओपन नहीं किया भाई, मैं इसको हेल्प करवा दो, बनना है कब करेगा मजदूर अपना, मिल्क इसमें डालो फटाफट से काम करते हैं क्योंकि शॉप ओपन करनी है हमारे, हम डेली के $170 तो स्टाफ को दे रहे अपना। मैं राइस और मंगवा लेता हूँ, रुक राइस नहीं है, और ये क्या ये नहीं है राइस, ये रही राइस, प्राइस आज बड़ा राइस का, मुझे प्राइस भी चेक कर दे करते रहना चाहिए सारी चीजों का, पहले मैं प्राइस चेक करता हूँ। रुको अबे पूरा खाली पड़ा है, खाली दोस्त, क्या फुल फुल मंडे पड़ रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहा है अपना, रेक रेक स्टोरेज फुल फुल कर रहा है, अरे पूरा खाली पड़ा है, जाना भाई द रेक आर फुल इन स्टोरेज, पूरा ब्लैंक पड़ा है, देखो कोई इसको बताओ कि ऐसे नई चीज चलती, ठीक से काम कर वरना मैं तुझे अनहायर कर दूंगा। इसको अनहायर करना है भाई, आज का पैसा भी ले गए यार, क्या करे इसको रखे या फिर जाने दे, हाथ में बक्सा ले गए भाई, छोड़ रहा हूँ बक्सा स्टार्ट कर, ये सारे बक्से इधर पड़े हैं, कब से मैं बक्से उठा के इधर डालता जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने स्टोरेज बुक किया फिर रैक खरीदा, और ये खुद ऐसा खड़ा रहता है, सारी चीजें मुझे करनी थी तो पैसे क्यों भरवाया, पैसे देने नहीं है मेरे, पैसे मुफ्त में नहीं आते भाई। रुक ग्रोथ हायरिंग, इसको फायर करो, रीस्टोकर फायर, दो केसियर हम रख सकते हैं, 20 माले वाला हमारा हो चुका है इसीलिए निकल गया ना, अच्छी बात है, वरना मैं खुद इसको भगा था। अब सुसु पाउडर ठीक है चल आ जाएगा, सुसु पाउडर अभी मैं मंगवाना नहीं चाहता क्योंकि नहीं अभी भी जगह है, जगह है, जगह जगह, सुपर मार्केट हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, इसको भी डालो, ऑयल को भी, क्या नहीं था वो कुछ बता के गया कि ये स्टोर ये साइज से हमारे शॉप में नहीं है, इसको भी इधर डाल दो, स्टोर फुल रहना चाहिए तभी आता है मजा। अभी इधर का सेट भी मैं और रिस्टोकर भी मैं, कुछ नहीं सब चाहिए, सब है मेरे पास, पानी की बोतल शायद से नहीं है मेरे पास, देखने दो, नहीं पानी की बोतल नहीं है, पानी की बोतल मंगवानी चाहिए मेरे पास, अभी $250 के आसपास है, 286 314 हो गए, वाह 334 माफ कीजिएगा, फ्रिज की आइटम, फ्रिज की सारी मंगवा ले, और ये तीन ही आइटम मंगवा दे क्योंकि जैसे जैसे बिकती जाएगी सारी आइटम ऐसे वैसे, कुड नॉट फाइंड एप्पल जूस, अच्छा एप्पल जूस भी मुझे मंगवाना है। चलो अभी मुझे सारी चीजों का पता रहेगा कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा फायदा होगा, और $100 बच रहे मेरे रिस्टोकर के भी, अच्छी बात है। चलो चलो ऑलराइट दोस्तों, देख सकते हो हमारा स्टोर कितना बढ़िया
चल रहा है, चल नहीं उड़ रहा, क्या नहीं है? पहले तो सारे मेरे पास एप्पल जूस और वो ऑरेंज जूस कप के नहीं है भाई, ये क्या है? चीज परमिन, ऐसा ऐसा कुछ नया आया हो लगता है। $56 का ले लिया। कब से मैं आइटम परचेस कर रहा हूँ, मुझे एक नया लाइसेंस खरीदना है, नई आइटम रखने का लाइसेंस खरीदना है। चलो तो वो पहले खरीदते इसको, छोड़ने के बाद थोड़ी दूर से आइटम और इधर डाल देंगे, कस्टमर आते जाते रहेंगे तो फायदा हमारा होगा। रुको जूस डालो, जूस इधर डाल सकते, सारे नहीं आएंगे, चलो जितने आते उतने डाल देते। ये सारी आइटम ब्रेड मेरी ऐसे की ऐसी पड़ी है, ये क्लीन डिश ब्रेड को मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा स्टोरेज एरिया में। अब भाई ब्रेड खरीद, ब्रेड में डिस्काउंट दे देता हूँ, चलो ब्रेड में डिस्काउंट है। एवरेज कोर्स 0.93, प्रॉफिट हम बेच रहे 6 में, ब्रेड सबके लिए एक्सपेंसिव तो लगेगी ना भाई, मार्केट प्राइस 4 है, 45 तो 4 पे बेचते। चलो अभी जैसे ब्रेड को हम पूरा खल्ला खाली कर देंगे और बाकी ब्रेड और है भाई। ये टॉयलेट पेपर भी कोई परचेस नहीं कर रहा है, वो $20 का एक परचेस कर कैसे करेंगे लोग, इसको हम में बेचते परचेस करे तो लोग $6 का प्रॉफिट, लेकिन कोई बात नहीं चलता। अब यार लाइसेंस खरीदना था, कल लाइसेंस खरीद, चलो कल आज नहीं। इसको क्या हुआ, बटर मिल्क इज सो एक्सपेंसिव, सबको एक्सपेंसिव चीजें लग रही है, बोलो मार्केट प्राइस से बढ़िया है मैं बेच रहा हूँ। जो चेकआउट इज फुल, 2 चेकआउट करने हैं मुझे, इसलिए कस्टमर आते जाते रहेंगे और सारा मैं ये सारे और मंगवाने हैं। आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से, इधर से कुछ आइटम को मैं ले लेता हूँ। चलो इसमें कुछ रखा तो नहीं ना, रखा है शायद से, रखा 2-3 आइटम रखी है, इसको पहले डाल दो। काम हो चुकी है, देखते इसको एक ही था, कोई बात, ये ब्रेड इसमें से ले लेते थोड़ी, नहीं ब्लॉक्स डजंट मैच, चलो कोई बात नहीं। कस्टमर की भीड़ बहुत है हमारे स्टोर के अंदर, ये भी एक ही है, वाव। एक तो मैं कहीं पे भी रख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसका बॉक्स भी खाली करो। और इधर से मुझे लगता है, रुको अरे यार ये क्लिक नहीं क्यों रहा, और इसको इधर डालते हैं, वो कहाँ गया हमारा बॉक्स है, ये रहा, इसको शायद से फ्रिज में रखेंगे। कितने मंगवा लिए थे भाई मैंने, कोई बात नहीं, चलो डालते जाओ। ये फूल कर दिया हमने, अच्छी बात है। ये क्या नहीं है हमारे शॉप में, और डे खत्म होने को यार भीड़ देख सकते हो, मुझे 2 चेकआउट करने पड़ेंगे, कल लोन लूंगा $5,000 की। और इधर और कुछ है, मैं मंगवा के सारी आइटम इधर डाल दूं तो अच्छी बात रहेगी, या फिर एक ही, या फिर सीधा ये फ्रिज की आइटम है। अरे यार फ्रिज कहाँ गया, इधर भी जगह नहीं है, ये रहा जगह। और ये सारे कस्टमर का वेट करना पड़ेगा मुझे। लैम्बो मिल्क नहीं है, क्या नहीं है, 6-pack मिल्क, अच्छा वो तो जरूरी है भाई, वो तो चाहिए। देख सकते हो डे खत्म होने को आया, लेकिन कस्टमर खत्म नहीं हो रहे, ये रहा जलवा हमारा। और $15 अभी भी हमारे पास हो रहा है, ये लेडी बहुत सारे आइटम्स ले रही है भाई, देखते हैं कितना बिल आता है। $1,485, ये हुई ना बात, मतलब $100 के आसपास ले रही है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक दिन का इनका पैसा निकल जाता है भाई कस्टमर से। चल इन्होंने भी बड़ी आइटम परचेस की, देखो मेरे पास अभी कुछ है नहीं शॉप में, फिर कल आके फिर से मुझे परचेस करना पड़ेगा यार। परचेस करने के लिए आदमी रखो, चिकन इज नॉट कुड नॉट फाइंड चिकन, अच्छा भाई कोई बात नहीं, चलो वो भी डाल देंगे। और बताओ क्या चाहिए मुझे, 6-pack मिल्क और एक चिकन, 2 डालने हैं और पता नहीं और क्या क्या डालना है, पास्ता भी डालना है, ये भी मुझे पता चल गया, 3 आइटम तो हो गई। इधर मैं डाल दूं तो अभी परचेस सुबह कर लेंगे, दिमाग तो है मेरे में। इसमें फ्रिजेस के आइटम में कोई नहीं चाहिए, फ्रीजर में हमें चाहिए एक चिकन, एक डाल दिया और एक पास्ता डाल देता हूँ, पाउडर तो है, चीज भी है, 8-pack का मिल्क भी डाल दिया। चलो और कुछ चाहिए था वो मुझे दिख पता नहीं, 6-pack का मिल्क डाल देते। आज का दिन भी खत्म होता हुआ दोस्तों, और आज के दिन में हमारा प्रॉफिट किया है $1,200 का, ये हुई ना बात। चलो और आज $5 का वो ले लेंगे, पहले तो शॉप ओपन नहीं करनी, रुको पहले मैं सारी आइटम मंगवा लेता हूँ, उसके बाद शॉप ओपन करेंगे। चलो मुझे देखने दो कौन सी आइटम नहीं है, कौन सी आइटम है, उसके बाद में शॉप ओपन करूंगा। फिर दिक्कत आती है भाई, कोई कस्टमर आए और कुछ हमारे पास ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, हम इतना बड़ा मॉल चलाते फर रहे और कुछ आइटम ना हो। चलो ये भी हो गया, हाँ मल्टीपल बिजनेस करने वालों में से एक है। ये पास्ता भी इधर रखो, अरे पूरा सब ब्लैंक हो गया, सारी चीजें एक बार मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिज के आइटम तो मेरे पास ऑलरेडी फुल है। इसको इधर डाल दो, अबे भाई जगह तो है। चलो सारी आइटम मंगवा लेते हैं, एक ब्रेड नहीं मुझे मंगवानी है, रुको ब्रेड मेरे पास है, सूसु पाउडर भी, पास्ता भी है, और ये तो है राइस भी है, और सारी ऑयल बॉल सब मंगवा लेते हैं। इधर से ये सेल्फ का किया, राइस नहीं, मिट्टू नहीं, सेल्ट नहीं है, हनी भी नहीं है, ये क्लीनर नहीं है, ये ब्लीच नहीं है, शैम्पू शायद से नहीं है, ये टॉयलेट पेपर आज हाई में है, मेरे पास है तो हाई में वाली चीज़ें मैं परचेस नहीं करने वाला, डार्क कॉफी भी नहीं है, ऑयल थोड़ा है, और ये चिकी पिकी ले लेते हैं, $261 का और एक परचेस कर लिया है। वो आदमी था तो वो सारा डलता रहता था, लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर रहा भाई, उसकी वजह से मैंने उसको निकाल दिया।
इससे स्पीड मेरी ज्यादा है, मैं सब ये 2 मिनट में कर लेता हूँ, वो 2 घंटा लगेगा। चलो इसको भी डाल दिया। स्टोरेज की मुझे कुछ जरूरत नहीं, उसको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या स्टोरेज की जरूरत, ये सारा आइटम फुल कर देते। पहले फुल होने के बाद लाइसेंस परचेस करेंगे शॉप को ओपन करने के बाद। अभी हमारे शॉप देख सकते हो एकदम फुल भरचक लग रही है, भरचक मतलब फुल लग रही है। चलो ये क्या है, हनी शहद कह सकते हैं, इधर डाल देते। लाइन में रखे तो ये सब फूल फूल अच्छा लगता है ना। चलो और कोई बात नहीं। एक दिन हमने छोटी सी अपनी दुकान स्टार्ट की थी और आज देख सकते हो ये शैम्पू है। अभी शॉप को ओपन कर देना चाहिए, रुको पहले शॉप को ओपन कर देता हूँ। कस्टमर आने लगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहे। ये क्या है, ये है ना डार्क कॉफी थी मेरे पास, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ कस्टमर, राइस भी है। अभी मुझे और थोड़ा परचेस कर लेना चाहिए, सब ब्लैंक ब्लैंक लग रही है, क्या परचेस करूँ। ये टी ब्लैक ले लेते हैं, ये ग्रीन ऑयल नहीं है, पास्ता भी नहीं है, और सारी आइटम तो है। चलो ना कोई बात नहीं, $134 का और परचेस कर लिया। पास्ता सेगे टिक 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 उसका ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं मुझे इस। अरे भाई मैंने शॉप ओपन की है तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। सेकंड चेकआउट हम रख डाल सकते हैं, लेकिन सेकंड चेकआउट अभी थोड़ा देर और वेट करो, क्योंकि अभी शॉप हम और बड़ी करने वाले हैं। का हम लेने वाले हैं लोन। चलो पहले परचेस करते, चलो ना वो लाइसेंस। शॉप तो हमारी आ गई, मैनेजमेंट रुको, बैंक से लोन उठाएंगे। एक $750 की ले लेंगे तो परचेस हो जाएगा। नहीं हम डेली का पेमेंट कर सकते हैं, $325 या फिर $700, 325 और इसका हम करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड $500 या $600 तो हमें डेली के काटने पड़ेंगे देने के लिए। 2 लोन ऑलरेडी चल रही है, इसका पे करके ये लोन ले लेंगे तो अच्छा फायदा रहेगा। इसका पे कर दिया हमने और अभी ये लोन लेंगे 5000, तो हमें थोड़ा ये राहत मिल जाएगी, पैसा ज़्यादा नहीं करेगा। रुक डेली का $325 इसका और इसका, तो देख सकते हो लोन ले या फिर ना ले लेते चलो $5000 की। 5000 मेरे पास $800 आ चुके हैं। चेक एक्सपेंसिव चेक रुको चेक नहीं, चीज़ बीज नहीं है मेरे पास। ओ पूरी शॉप ब्लैंक हो गई इतनी जल्दी, व्हाट द फक मैन। लाइसेंस लिए 16 लेवल वाला, इसमें क्या क्या आएगा, ये परचेस कर लिया। चलो ना न्यू आइटम एडेड हो चुकी है हमारी मार्केट में, कौन सी है देखो, ये फ्रिज की आइटम है। अरे यार फ्रिज की आइटम नहीं परचेस करनी थी, फ्रिज की आइटम में पैसा नहीं मिलता इतना ज़्यादा, उस सेल्फ की आइटम में पैसा ज़्यादा मिलता है। अरे यार गलती कर दी मैंने, आज ये दिन ही लगाएंगे, आज लगाएंगे तो सीएसएल मुफ्त में लेने मंडेगे, लगाना तो पड़ेगा फटाफट से, मैं प्राइस रखनी पड़ेगी। अच्छा ये आइसक्रीम बाइसक्रीम का सब है, और डिस्प्ले भी फुल कर दी भाई, दूर रहना थोड़ा, इसको ड्रॉप करते थोड़े इधर, और इसका प्राइस सेट करे देखो, ये $1 का आया और हम बेचेंगे $4 में, $2 का फायदा, मतलब 1900 का लाइसेंस लेने के बाद $2 का फायदा। लाइसेंस परचेस करके सबसे बड़ी गलती कर दी है मैंने इस वाला लाइसेंस, क्योंकि वो हमने पहले वाला लाइसेंस परचेस किया था जो टॉयलेट पेपर थे और शैम्पू और वो सब आते, उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है हमें, इसमें $2 का मुनाफा, उसमें $10 का होता है, ये इसमें ज़्यादा है। और आइटम हमें $10 का तो मुनाफा होना ही चाहिए, तभी हम $300-$400 एक दिन के निकाल पाएंगे। और यार फ्रिज भी पूरा भरचक हुआ, ये क्या, ये चॉकलेट्स का डब्बा है आई थिंक, इसको छोड़ो इधर। अरे रुक रुक चॉकलेट मत खरीद, चॉकलेट मत खरीद। इसका प्राइस सकते $17-$60 का प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में बेचे ना कोई नहीं। एक्सपेंसिव लगे तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा लोन चल रहा है। मेरे पास फ्रिज पूरा फुल है, नहीं फुल नहीं है, सारी स्लिम आइटम है देखो, चीज इज फुल नहीं, चेकआउट इज फुल सॉरी। इसको $12 में बेचो, इसका भी पर आइटम 5 प्रॉफिट, कोई बात नहीं। चलो ना मेरे पास अभी $3000 है, इसको हम बचा के रखेंगे। आइटम मैंने ये परचेस किसका किया मुझे नहीं पता चला, ये सारी आइटम की है। रुकना दूर, इसको हम $15 में बेचेंगे, इसका प्रॉफिट भी 6 का। और एक लाइसेंस परचेस कर लेना चाहिए मुझे $1900 का, कल करेगी वो सबको लोन बोन दे के। रुक वापस इसमें डाल, अच्छा फुल हो गया, कोई बात नहीं। चलो अभी आज के दिन ही मैं परचेस कर लूँ तो इसका 15 का है, 20 का 22 में बेचते, चलो $6 का प्रॉफिट, एवरेज 6 या $5 का प्रॉफिट ही है मेरे पास। रुक लाइट्स ऑन करो, फटाफट से और आइटम्स मंगवा लेते। चलो मुझे लगता है सारी ब्लैंक हो ही चुकी होगी, पास्ता मंगवाते हैं, शुगर पाउडर मंगवा लेते हैं। जगह भी नहीं है मेरे शॉप में यार डालने की, ये सूसू पाउडर ये शायद से इधर था जी, खत्म हो गया था। चलो डाल देते हैं, ब्रेड अभी भी मेरे पास फुल है, पैसा कम किया तब भी। स्टोरेज का एरिया बड़ा करके उस आदमी को रख ले, मिल्क की बोतल भी सुपर कार गई हमारे पास, ये मेरे पास था। आ जाओ सब कस्टमर, अब फ्लोर बड़ा नहीं करना, सेक्शन बड़ा नहीं। चलो रुको ना कस्टमाइज में देखते हैं, बड़ी शॉप कर ही देते हैं।
$2600 का फ्लोर बड़ा करेंगे। $2600 का हम फ्लोर बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। फर्नीचर परचेस कर सकते हैं, वो कर लेंगे। एक ये कलर वाला करते हैं इस बार, ये दूधिया वाला। अच्छा 9 बज गए, चलो कोई बात नहीं। अभी इतने सारे कस्टमर है तो मैं कुछ करने वाने वाला, शॉप को क्लोज, इसको डालते सबको। डेली का पेमेंट हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, चला तो पहले आज का दिन का सारा आइटम मैंने देख सकते हो इसमें डाल के रखा था और सीधा परचेस कर लिए सीधा एक सेकंड में। ये पहले बड़ा बक्सा उठाए गए और इधर डाले गए, डिफरेंट है शायद से डिफरेंट। इधर एक थोड़ी जगह भी रच रह गई, कोई बात नहीं, चलो ये सारी आइटम थी कोई बात नहीं। चलो रिस्टॉक ही करना है सारा आइटम हमें, फ्लोर आटा सबको चाहिए सुबह सुबह, ब्रेड सबको ज़्यादा चाहिए होती है, मिल्क ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ब्रेड हमें बिकती नहीं है। इससे काट साफ करेंगे लोग, चलो इसको भी डालो। ये तो मेरे पास नहीं है, ये अच्छा हुआ डाला मैंने, पूरी शॉप में मुझे नहीं लगता होगा। इसको भी डाल दिया, मेरी सुपरमार्केट का नेम चेंज हो गया, सिर्फ सुपरमार्केट रह गई है आगे से। मेरा नेम मन पता नहीं किसने निकाल दिया, कोई बात नहीं। चलो ये मिल्क बढ़िया है भाई, मिल्क का 2 पैकेट मंगवाना चाहिए था मुझे यार, कोई बात नहीं। चलो ये है पता नहीं क्या है इसका, अरे 2 इधर 2000 इधर डाल दिया। सभी आइटम 2 बार मंगवानी थी यार, इससे अच्छा लगता। ये सेल्ट है, चल 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 जल्दी कर भाई, 8 बजे से पहले मैंने फुल कर दूंगा सब, फुल मैक्स। और इधर डाल देते, चलो ये था मेरे पास शायद से था, नहीं है कोई बात नहीं। चलो देखने दे मुझे अब क्या क्या आइटम है और क्या नहीं है। दिखने में ये मूस कुछ बुझ तो नहीं है, ये भी है, शैम्पू मंगवा लेते हैं, ब्लीच तो मेरे पास होगा, पोटैटो बैग नहीं है, पोटैटो बैग ये हनी भी नहीं है, रासमती तो होगा शायद से, चलो ना जाने दो। मुझे जगह भी होनी चाहिए ना रखने के लिए, वो मेन बात है। अरे यार पोटैटो बैग इतने सारे थे, कोई बात नहीं, चलो इसको स्टोर पे रख देते हैं, स्टोर तो नहीं कह सकते, स्टोरेज कह सकते हैं, इधर डाल दे कोई बात नहीं। स्टोरेज पे आइटम रखो, जो चीज़ हमारे पास नहीं इसको स्टोरेज पे रख दो। इधर जगह थी यार, गलती कर दी, इधर ज़्यादा जगह थी, कोई बात नहीं। चलो ये सर्कल वाला होता है, मुझे नहीं याद, देखो ये पूरा खाली है, गलती से मैंने उस स्टोरेज में डाल दिया, कोई बात नहीं। चलो इधर डाल दे इसको, पूरा खाली पड़ा था ब्रो, मैं खामा का टेंशन ले लिया। चलो अब सबको ओपन करते हैं, ओपन का टाइम हो चुका है, शॉप ओपन हो चुकी है, सारे कस्टमर आ जाइए भाई। मैं आज और एक लाइसेंस परचेस कर लूँगा, सारी आइटम डाल देनी है भाई। अरे यार इस ऊपर आ जा, चल कोई बात नहीं। चलो अभी देखते हैं दूसरा परचेस कौन सा हो सकता है, वो कर देते हैं लाइसेंस को परचेस, कहाँ से होता है। अरे फ्लोर ब्लोर कुछ ठीक करवाना, कितना पैसा लगेगा, $150 $200। पेंट हम हाथों से करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसमें खर्चा नहीं करना सीधा जाता है मैनेजमेंट में। लाइसेंस परचेस करना है हमें ये वाला, 1 का 12 पैक, मतलब ये फ्रिज वाला ही होगा शायद से, फ्रिज वाला ही है, मुझे देखने दो। पास्ता, शुगर, ब्राउन टी, ग्रीन, मतलब ग्रीन टी और सब तो सेल्फ में रख सकते हैं, ये कर देते हैं। चलो ना 2000 का और एक परचेस, और सारी आइटम न्यू अनलॉक हो चुकी है। 8 more bags इज इन एक्सपेंसिव, कोई बात नहीं भाई तो मत खरीद। और कहाँ गए, कहाँ गए प्रोडक्ट, सारे कहाँ गए, दुखने दे मुझे। नए प्रोडक्ट कहाँ गए, कौन से नए प्रोडक्ट आए थे मुझे पता नहीं है, लास्ट वाला कौन से थे ना मुझे पता नहीं है, शायद से इधर से आए, स्मॉल वेव कप ना वो सब। परचेज $300 का एक, ये है क्या, मुझे देखने दे पहले, इतनी सी आइटम $300 की, इसको भी फ्रिज चाहिए भाई। अच्छा ये तो वो है मेरे, अरे इतना सारा है मेरे पास, और एक का प्रॉफिट है 7 रुपीज़ सिर्फ, कोई बात नहीं। मेरा मुंह थोड़ा पड़ गया लेकिन कोई बात नहीं, क्या करे। ये परचेस करते हैं पास्ता, $56 का, एक ही करना भाई, 2 नहीं करना। ये कर लिया, फिर शुगर ब्राउन टी, ग्रीन टी करते हैं। चलो पानी की बोतल मैंने शायद से नई आई है, नई ब्रांड की है, एक ले लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, मुनाफा चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा। मैं एक मत खरीदना, मुझे प्राइस सेट करने दे, $7। चलो मुनाफा कर दिया है स्टार्ट हमने। ये पानी की बोतल के लिए भी फ्रिज चाहिए भाई, फ्रिज ये हो, पानी की बोतल फुल है भाई, लेकिन ये थोड़ी ब्रांडेड फंडी पानी की बोतल मुझे लग रही है, दूसरी कंपनी की, इसकी एवरेज प्राइस 3 रखते। चलो $2 का प्रॉफिट सिर्फ पानी में, पानी में प्रॉफिट मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, मुफ्त में पाना चाहता हूँ। चलो ये कुछ नया सुसु पाउडर आया, इसको इधर डालते हैं जी, सुसु पाउडर नया है ये। मेरे जो ओल्ड सारे थे ब्रेड पाउडर सुसु और चोकी पोकी, वो सब कोई खरीद नहीं रहा है, इसीलिए वो सब मैं परचेस नहीं करने वाला हूँ अभी से। जो नई नई आइटम है वही परचेस करने वाला हूँ, वो सारी आइटम वैसे पड़ी है, कोई परचेस नहीं कर रहा, सबको नई नई आइटम चाहिए, ओल्ड कोई ले ही नहीं रहा। ये देखो ये सब ऐसे ही भरा पड़ा है, लेकिन मैंने 2 जगह यूज कर ली, इसको एक डालो भाई, इसको डालो जी, और इसका अरे रुक, प्राइस सेट नहीं की मैंने,
कि आठ रखते, आठ डालते हैं आठ। मैं थोड़ा स्टोर मेरा महंगा है और कौन सी आइटम खत्म हो रही है मुझे नहीं पता चल रही अपनी शॉप से। सारी मंगवा रहा हूँ तो कोई परचेस नहीं कर रहा है, जो परचेस मैं कर रहा हूँ वो पता नहीं क्या हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो इसका पार्ट और एक चाहिए तो नीचे जाकर कमेंट में बताना, तो और एक मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।